नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ANM GNM भर्ती 2018। तो दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण अपडेट की इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा और दोस्तों आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आई हैं तो दोस्तों चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपकी ANM GNM भर्ती 12,000 से ज़्यादा हमारे नर्सेज के योद्धा जो हैं, इंतज़ार है उन्हें अपनी नियुक्ति का। उसी के मद्देनज़र एक अपडेट मिला है, क्या जानकारी है। तो दोस्तों, ये जो जानकारी है नर्सेज संघर्ष समिति के द्वारा जो दी गई है उसी पर पूरी की पूरी जानकारी डिपेंडेड है। अगर आप लोगों ने ये मैसेज देख भी लिया होगा, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको अपडेट नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए वीडियो खास रहने वाला है। राजस्थान नर्सिंग सीधी भर्ती 2018 संघर्ष समिति, चयनित नर्सेज को जल्द मिलेगी नियुक्ति। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आज जो संघर्ष समिति है नर्सेज भर्ती 2018 की, उनके द्वारा दोस्तों देखिए यहाँ पर पदस्थापन सूची जारी करने की मांग की गई थी। और इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी सदस्य सलाहकार समिति COVID-19 महामारी राजस्थान सरकार से मुलाकात कर यहाँ पर ज्ञापन दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर लगातार संघर्ष समिति से पिछले काफ़ी महीनों से ये कोशिश जारी है नियुक्ति प्रक्रिया के लिए, पदस्थापन के लिए, और आज भी इसको लेकर के ज्ञापन दिया गया था। और देखिए यहाँ पर आज नर्सिंग सीधी भर्ती 2018 ग्रेड द्वितीय और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि ANM में चयनित लगभग 12,000 नर्सेज की पदस्थापन सूची जारी करने की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री आवास पर संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री यानी कि दोस्तों मुख्यमंत्री के जो संयुक्त सचिव हैं उनको ये ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही राजस्थान हॉस्पिटल के अध्यक्ष डॉक्टर जो वीरेंद्र सिंह जी हैं उनसे भी मुलाकात करके उनको भी समस्या के बारे में अवगत कराया गया है। और देखिए यहाँ पर इनके जो रिक्त पद चल रही हैं इनको भरने की मांग की गई है। और दोस्तों UTB की जो भर्ती निकाली गई है उसके बारे में कहा गया कि इस तरीके से भर्ती ना निकाल करके जो स्थायी जो अभ्यर्थी हैं जो चयनित हैं ANM GNM में उनको ही यहाँ पर नियुक्ति की जाए, ठीक है, जिससे कि राजस्थान सरकार को 6,000 नर्सेज नियुक्त मिलेंगे। साथ ही कोरोना वायरस पीड़ित मरीजों की नर्सिंग सेवा कर रहे 6,000 संविदा नर्सेज को भी नियमित रोजगार मिलेगा जो वर्तमान में संविदा नर्सेज मेडिकल कॉलेज के अधीन काम कर रहे हैं। दोस्तों इस पूरी की पूरी जो आप लोग देख पा रहे होंगे बातचीत थी, उनका विवरण ये है कि आज इन लोगों ने जो संघर्ष समिति है इनके द्वारा आज मुख्यमंत्री के सचिव वगैरह को ज्ञापन दिया गया था और उसमें मांग की गई है कि जो 12,000 ANM GNM के चयनित अभ्यर्थी हैं उनको पोस्टिंग दी जाए। अब इसमें से GNM की हम बात करें, कुछ ANM बहनों की बात करें तो पहले से जॉब कर रही हैं, अभी भी उनका कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, सैल्यूट बनता है उन लोगों के लिए। तो उनका कहना है कि हम पहले से भी जॉब कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के रूप में यानी कि संविदा के रूप में जॉब कर रहे हैं, अगर आप लोग हमारी पोस्टिंग कर देते हैं तो हमें एक स्थायी जॉब भी मिल जाएगा और कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए पर्याप्त स्टाफ भी उपलब्ध हो पाएगा। ये जानकारी दोस्तों दी गई है और इसमें तमाम जो नर्सेज संघर्ष समिति के जो साथी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और दोस्तों ये थी जानकारी और आप लोग भी दुआ करें दोस्तों, आप लोगों की जो पोस्टिंग है दोस्तों, जहाँ तक कल भी मैंने जानकारी दी थी आप लोगों को 14 अप्रैल, और अब ये जो मैटर है आप लोगों का जो नर्सिंग भर्ती 2018 का दोस्तों उठ चुका है। तमाम जो चिकित्सा मंत्री हों चाहे मुख्यमंत्री हों, राजस्थान के तमाम जो टॉप जो लीडर्स हैं जो सरकार के मंत्री हैं उन तक ये मामला उनके संज्ञान में है और बहुत जल्द आप लोगों के लिए आने वाला जो ये सॉरी जो चल गया आज से महीना अप्रैल का, इसी में दोस्तों बहुत बड़ी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। आप लोग थोड़ा सा संयम और बरतिए और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ये जानकारी पूरी की पूरी जो जानकारी थी दोस्तों संघर्ष समिति 2018 ने जो ज्ञापन दिया, जो बातचीत बताई है उसी के अकॉर्डिंग है। और दोस्तों एक और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, दोस्तों आप लोगों का जो प्यार और विश्वास जो आपने मुझ पर दर्शाया उसी के मद्देनज़र दोस्तों अपना एक और चैनल है RNS A to Z नॉलेज नाम से। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरीके से सर्च करना पड़ेगा तो आपको ये इंटरफेस मिलेगा, यानी कि दूसरा जो चैनल है वो RNS A to Z नॉलेज के नाम से है। तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों भविष्य में आपको इस चैनल पर बहुत नई नई जानकारियाँ दी जाएंगी
और इस चैनल पर आपको नर्सिंग के वीडियो भी मिलेंगे, तो इस चैनल को भी थोड़ा सा प्यार दे दीजिएगा। आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। ये आप लोगों का ही चैनल है, आप लोगों का प्यार और विश्वास बना रहा है, तो इस चैनल को भी थोड़ा सा प्यार देने की कोशिश करें, इसे भी सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएँ और चैनल के वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों यही थी इस वीडियो में जानकारी आप लोगों के लिए नर्सिंग भर्ती 2018। और अब दोस्तों जो बुरा वक्त था नर्सिंग भर्ती 2018 का, वो जा चुका है और अब बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है। और आप लोगों से निवेदन है कि दोस्तों आप लोग घर पर रहिएगा और स्टे सेफ रहें, ठीक है, होम पर रहें, घर पर रहें, और आप सभी के परिवारजनों के उत्तम स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।